हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अल्टीमेट साइंस बियंड में स्वागत है। इंसानी दिमाग एक ऐसी चीज है जिसके कई राज हम आज तक नहीं जान पाए हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट को ब्रेन के बारे में थोड़ा ही पता चल पाया है। उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे दिमाग में 100 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से हर एक सेकेंड कई गुना डाटा ट्रांसमिट और प्रोसेस होता है, जिसमें दिमाग को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें से डोपामिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। डोपामिन को कुछ लोग फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, पर डोपामिन इससे कई गुना इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो आपकी लाइफ को बना या बिगाड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, जिसमें हमारे शरीर के जागने से सोने तक हर सेकंड कई तरह का डाटा ट्रांसमिट होता रहता है। यह डाटा हमारे सेंसेस, मूवमेंट, थॉट्स इत्यादि का होता है। इस डाटा को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यह न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मौजूद साइनेप्स नाम के गैप से ट्रैवल होते रहते हैं, और ट्रैवल होने के साथ वो अपने साथ कई तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते जाते हैं। इन सभी में से जो डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में बहुत हद तक काम आता है। डोपामिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन से जुड़ा होता है। डोपामिन हमारे फिजिकल और मेंटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब हम किसी चीज से खुश होते हैं, तब डोपामिन हमारे दिमाग में रिलीज होना शुरू होता है, जिससे कि हमें अच्छा फील होता है। जब भी हम हमारा कोई मनपसंद काम कर रहे होते हैं, तब न्यूरॉन्स डोपामिन रिलीज करते हैं, जिससे कि हम वो चीज़ बार बार करना चाहते हैं, क्योंकि डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड एंड प्लेजर सर्किट को एक्टिवेट करता है। हमारे दिमाग के इसी डोपामिन की वजह से हम हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं। इसके कारण ही हम हमारे काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल से मुश्किल देखने वाली समस्या को भी आसानी से हल कर पाते हैं, जिससे कि हमें लाइफ में सक्सेस भी मिलती है। पर दोस्तों, इसी रिवॉर्ड एंड प्लेजर सर्किट के कारण डोपामिन हमें कई बुरी आदतें लगाने में भी जिम्मेदार होता है। जैसे किसी भी बुरी आदत करने पर हमें कुछ समय के लिए प्लेजर के चलते अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये हमारे जीवन पर बुरा असर डालता है, जिससे हम नशा, सिगरेट, जुआ इन जैसी कई बुरी आदतों के आदि हो जाते हैं और हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, अगर हमारे दिमाग में डोपामिन की लेवल जरूरत से कम या ज़्यादा हो, तो इससे भी हमें कई तरह की समस्या होती है, जैसे कि डोपामिन कम होने पर हमें हमेशा डीमोटिवेटेड फील होता है, काम करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, और यहाँ तक कि इसका असर हमारे याददाश्त पर भी पड़ता है। और यही डोपामिन अगर हमारे दिमाग में ज़्यादा पैदा होने लगे, तो उसके वजह से ज़्यादा गुस्सा आना, नींद ना आना और बुरी आदतों की लत लगना, ऐसी कई तरह की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपना डोपामिन लेवल नॉर्मल रखना चाहिए, जिसके लिए आप रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और आप अपने डाइट में थायरासिन नाम के अमीनो एसिड का मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी डोपामिन लेवल मेंटेन होने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जितना जाना है, उससे डोपामिन कई कॉम्प्लेक्स हार्मोन है, जिस पर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और भविष्य में अगर हम डोपामिन कंट्रोल करना सीख जाए, तो हमारे लिए लाइफ आसान हो सकती है। आप डोपामिन के बारे में और क्या जानते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।